हेलो दोस्तों, आप मेरा नाम है अद्वैत। आपका स्वागत है गेमिंग विद अद्वैत में। ओह सॉरी गाइस, वाईफाई चला गया है। सॉरी फॉर दिस गाइस, आई सी इट्स वर्किंग। सॉरी फॉर दिस गाइस। ओके कंटिन्यू। तो आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फार्म जेंट्स। सबसे इजी थिंग है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी मेरे पास, मैंने एक भी टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने एक्चुअली, मेरा अकाउंट बैन हो गया था पहले वाला, वो जो टाउन हॉल 3 का था, वो बैन हो गया क्योंकि मैंने उनको एक झूठी खबर दी थी। तो एक बता देता हूँ आपको कैसे जेम फार्मिंग करना है। मैंने एक भी वेस्ट नहीं किया इस पर, देख सकते हैं 263 है। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्स्टिकल से उसको हटा देना है। जल्द से जल्द जितने हो सकते हैं उतने आपको हटाने पड़ेंगे। अगर नहीं हटाए तो जेम फार्मिंग नहीं हो पाएगा। और सबसे पहली बात, और आप और दूसरी बात, आप पहली बात थी ऑब्स्टिकल्स को निकालने। दूसरी बात, आप अचीवमेंट से जो भी करोगे, अटैक्स मतलब अटैक्स नहीं, टाउन हॉल जो भी बढ़ाओगे, जितना अपग्रेड करते रहोगे, वो आपके लिए अच्छा है। तो कभी रश मत खेलना दोस्तों। तो तब तक तो आपके पास 3-4 हज़ार आ जाएंगे अपने आप। तो मैंने कल ही शुरू किया ये नया, क्योंकि मेरा कल शाम को बैन हो गया था। तो अभी क्या करना है, और तीसरी बात है कि कभी भी आप सबसे पहले, अगर आपका वॉर चल रहा है, अगर आपका वॉर चल रहा है तो, और अभी वॉर ख़त्म होने के लिए सिर्फ 2 मिनट बाकी है, तो आप अपने आप अभी तक अपना दूसरा अटैक यूज़ नहीं किया, तो अभी तक ट्रूप ट्रेन भी नहीं किए, तो आपको बहुत टाइम लगेगा, 1/2 घंटा 1 घंटा। तो आपको उसमें जैम वेस्ट करना है और बेकार में वेस्ट नहीं करना। और पांचवी बात, लास्ट बात है कि अगर आप वॉर चल रहा है और आप वॉर ख़त्म होने वाला है जैसे कि 5-10 मिनट में, और आपके फ्रेंड को ट्रूप्स से वो अटैक नहीं कर पा रहा अपने ट्रूप से, तो उसमें अगर बहुत टाइम लग रहा है तो उसमें आपको ट्रूप्स ट्रेनिंग में जेम्स लगा के उसको देना है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।